और अब ये देखें आप ये इसका ये बीफ कढ़ाई बन रही है, ये मटन नहीं है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ मकसूद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकसूद डिस्कवर वर्ल्ड। आज मैं आया हूँ गुल शिनवारी की सेकंड ब्रांच, यहाँ ओपन हो रही है लाला बारबेक्यू शिनवारी। आज इसका इफ्तिता है। आज यहाँ पे हमें इनवाइट किया है जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम पाकिस्तान के नंबर वन यूट्यूबर जनाब बाबर डार भाई ने आज हमें यहाँ इनवाइट किया है और आज हम लोग यहाँ इसका इफ्तिताह करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है ना अच्छा है, अंदर का इम्तिहान भी बहुत अच्छा है। और आज के खाने कैसे होंगे ये सारी चीज़ें, अफ्तार पे हमें यहाँ बुलाया गया है और डिनर भी हम यहीं करेंगे, तो आप देखते हैं, आ जाइए मेरे साथ। तो इसके साथ हम चलते हैं। ये मटन चिनवारी बन रही है, ये मटन पिशावरी कढ़ाई बन रही है, ये चिकन बन रही है, ये मिशी में निकाल है, और ये मटन पिशावरी है। शनवारी कढ़ाई है, ये मटन शनवारी कढ़ाई बन रही है। जी जी, कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर फ्रेश मटन जो होता है वो तैयार हो जाता है। 35 से 40 मिनट जी जी। अच्छा, ये कितनी है? ये किलो? ये हाफ के जी है। ये हाफ के जी जी। अच्छा, ये सब इसी में डिश में? ये इसी में जाएगी, कढ़ाई के अंदर जाएगी, इसी में जाएगी जी जी। तिल वाले नान बन रहे हैं और ये फुल चिकन टिक्का है। ये वहाँ पे जो है सब्जी बन रही है, वो देखा हूँ वहाँ पे सब्जी बन रही है। सब्जी बनने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके फिर ये ग्रिल हो रही है। जी जी, ग्रिल हो रही है। अच्छा, ये इसमें एक ग्रिल में कितनी सब्जी लगी हुई है? जी, ये एक ग्रिल में कितनी सब्जी आ रही है? बड़े ग्रिल में 4 लगी हुई है, छोटे में 2 लगी हुई है। अच्छा, ये 2 लगी हुई है। ये फुल चिकन है, ये सब्जी आ गई है हमारी, और ये मटन पिशावरी कढ़ाई और ये नान आ गए। देखिए, ये मेरी प्लेट आ गई है। अब मैं पहले खजूर से जो है इसमें लगा के और रोजे की दुआ करके अफ्तार करता हूँ मैं, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी क़समतु बिका वा आमनतु वा अला तवक्कलतु वा अला रिज़्क़ी वाफ़्तरतु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखे भाई, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं ताह भाई, और ये बैठे हुए हैं हसन, और ये हमारे पिछले की पूरी टीम इधर बैठी हुई है। बाबर भाई, नौरतन जर्दा है और मटन बिरयानी है, वाइट वाला जर्दा है, बहुत वीआईपी है। ठीक है ना, मसला ये है कि ये जो है ना मिर्च बहुत है, इसमें ना बहुत स्पाइसी है, जो स्पाइसी लवर है उनके लिए तो बहुत वीआईपी है, और मेरे लिए जो है ना देख रहा है पसीना निकल रहा है यार, कि ऐसी चल रहा है लेकिन ये पसीना निकल रहा है, तो इसलिए मैं जरूरत मिला के खा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जर्दा भी वीआईपी है, बिरयानी भी वीआईपी है, अभी और डिशेज भी आ रही हैं। अभी हम पूरा रेस्टोरेंट का जो है रिव्यू करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरा रेस्टोरेंट, आपको विजिट कराएंगे और बताएंगे भाई कितनी सीटिंग का अरेंजमेंट है, कितने लोग यहाँ आ सकते हैं। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें,
अभी हम आगे और भी चीजें। भाई ये देखिए, ये आ गई है मटन पिशावरी कढ़ाई। देखिए आप इसको, लुक देखें, ऐसी जबरदस्त आ रही है, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है। और ये देखिए भाई, ये आ गई ग्रिल चिकन जो है ना, सब्जी है ये, पहले सब्जी बनी है फिर इसको ग्रिल किया है ना। और ये देखिए, ये आ गए हमारे रोगनी नान, जबरदस्त। अभी हम इसको खाते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं, फिर आप भी आके यहाँ पे नोट कर लीजिए। भाई देखें, चिकन शिनवारी कढ़ाई है आ गई है, और चिकन शिनवारी का जो है ना एक बाइट लेके मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्या हो रहा है यार? निवाला मुझसे इन्होंने बोला था रिव्यू से पहले कि मैं आपको निवाला दूंगा, और खुद खा रहा है रिव्यू। आप, आपकी बारी है। मैं बिल्कुल, अब जुबैर भाई की बारी है भाई। और जुबैर भाई जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, एकदम सच्चा और खरा रिव्यू। मैं आपको खिलाऊंगा अपने हाथ। नहीं, अरे 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 मेरे अरे मेरे हाथ अरे अरे मेरे साथ यही किया था इन्होंने। अरे बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, सारे खाने बहुत अच्छे हैं। और आज फर्स्ट डे है इसके ओपनिंग का, तो बहुत अच्छा मज़ा आया है यहाँ पे। एम्बियांस बहुत अच्छा है। अभी हम रेस्टोरेंट्स का ना पूरा आपको जो है एम्बियांस भी दिखाएंगे, अंदर की भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। हम खाने से फारिग हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। वो बहुत यूनिक बनाया उन्होंने, वॉल्स पे जो बहुत अच्छी वर्क हुआ है, और देखिए रूफ टॉप पे जो है बहुत अच्छा लाइट शेड चल रहा है। देखें ये शेड चेंज हो रहा है, देखें ये शेड चल रहा है, देखिए बहुत खूबसूरत जो है सारी वॉल्स जो है। भाई हमने आप पूरा जो है यहाँ का रिव्यू भी कर लिया, ठीक है, और सारा एम्बियांस भी दिखा दिया। इन सारी चीज़ों के पीछे दो शख्सियत हैं यहाँ पे जो इसको बहुत सक्सेसफुली ना रन करेंगी आगे, क्योंकि आज वन डे था। यहाँ पे आरजीएम खड़े हुए मेरे पास लेफ्ट साइड पे, आरजीएम रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर हैं, और मेरे राइट साइड पे खड़े हुए अब्दुल वहाब भाई जो मार्केटिंग मैनेजर हैं। इन दोनों शख्सियत ने जो है ना इसको ऐसा बना दिया कि हम ना किसी डिफेंस के रेस्टोरेंट में खड़े हुए हैं यहाँ पे ना। तो पहले हम आरजीएम साहब से मिलते हैं और नाम पूछते हैं, और आपसे बताते हैं कि भाई आने वाले मेन्यूज में और क्या क्या चीजें इंटर हो रही हैं, और आप लोग कैसे नोश फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? नाम बताइए अपना। मेरा नाम रईस अकरम, मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ। पहले गुलशनवारी पे थे, ये लाला बारबेक्यू शनवारी भी हमारा ही है। जी जी जी। हमने यहाँ पे लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार वहाँ पे गुल है, यहाँ पे लाला क्यों खोल दिया। हम चाह रहे हैं कि नाजमाबाद की आवाम को वो फैसिलिटीज दें जो डिफेंस में। बिल्कुल, यहाँ के कस्टमर्स काफी जाते हैं डिफेंस में। मैं एक्चुअली खुद भी डिफेंस में रहता था, मेरे अभी भी सामने आप दिखा देख सकते हैं मेहमान जो भी है सारे डिफेंस से हैं। डिफेंस है, इनको दावत दी हुई थी जितने भी मेहमान आए माशाल्लाह, तो इनका मैंने यहाँ दावत दिया है। उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि वो भी आपको बताएंगे कि मतलब डिफेंस के माहौल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब नाजमाबाद की आवाम, गुलशन जौहर के लोग, डिफेंस जाने की जरूरत नहीं है। हर किस्म का फूड यहाँ मिलेगा उनको, चाइनीज भी इंशाल्लाह, ईद के बाद हम टर्किश भी स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई या खाने का जो शौकीन है, बलोची टिक्का कढ़ाई हो गई, शनवारी हो गई, वो यहाँ आगे एक मतलब ट्राई करें, उनको पसंद ना आए तो फिर हम बैठे हुए हैं, जैसे कस्टमर बोलेगा वैसे हम करेंगे। अच्छा, एक जो आप डिश है अभी दम पुख का जो बता रहे हैं कि वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं? वो इंशाल्लाह हमारा ईद के बाद का प्लान है। अच्छा, दम पुख का, उसके हमने स्पेशल जो है ना दम पुख का जैसा सेटअप होता है वैसे ही किया है, क्योंकि हर जगह पे होता है लोग करते हैं कॉपी, क्योंकि जूट तो बहुत हर जगह पे चल रहा होता है, ये हमारी फील्ड होता है। तो हमने ये प्लान बनाया कि जो चीज़ हमने कस्टमर को दिखानी है वही चीज देनी है, जिस चीज़ में जो चीज़ बनती है उसी में हमने बनाना है। सही, जो चीज़ कढ़ाई में बनती है वो कढ़ाई में बनाएंगे, उसको हम पतीले में नहीं बनाएंगे। तो कस्टमर को हमें वही चीज़ खिलाएंगे कि जो हम चीज़ दिखाएंगे तो इंशाल्लाह वही चीज़ खिलाएंगे, जो ओरिजिनल डिश है वो ओरिजिनल डिश ही बनेगी, और ओरिजिनल डिश ही, और टेस्ट उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह जब फिर बताएंगे आप। अच्छा, जो हमारे चैनल को देख के यहाँ पे आ रहे होंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा जो आपके चैनल के थ्रू आएंगे। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह। ये तो जबरदस्त हो गया भाई, अब आपने स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ आ जाना है, और रईस भाई को दिखाना है और वहाब भाई को दिखाना है कि भाई ये देखे हम वीडियो देख के आए हैं। तो वहाब भाई यहाँ मार्केटिंग मैनेजर है, रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर है, दोनों हस्तियां जो है इसको बहुत अच्छे से रन कर रही है। वहाब भाई आप क्या कहेंगे, आप बताए मार्केटिंग के हवाले से? मार्केटिंग के हिसाब से
मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको ऊपर से ऊपर लेके जाऊं, डिफेंस वाला क्लिफ्टन वाला कस्टमर को मैं यहां लेके आऊं। जबरदस्त माहौल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा हमारे पास अफगानी बोटी ऐसी है जो आपको पूरे हाईवे पे नहीं मिलेगी भाई। अफगानी बोटी ट्राई कर रही है कि अगर आपको हाईवे पे स्ट्रॉक बोट पे अगर कहीं मिल जाए ऐसी अफगानी बोटी तो मैं आपको पूरा एक दर्जन फ्री दूंगा भाई। जबरदस्त हो गया भाई। अभी अब्दुल वहाब भाई ने बता दिया है कि भाई यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, रईस भाई ने भी बता दिया डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त, देखे आप मेरे पीछे एम्बियांस बहुत अच्छा है, डेरा सर्विस भी है, टेबल भी है, तख्त भी है, तीनों सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। दिस इज मकसूद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।